हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है तरन्नुम साकिब चैनल में। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एक नई नई रेसिपी सीखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। आज हम बनाएंगे फ़िश करी। तो यहाँ मैंने रोहू फिश लिया है 1 केजी। इसको मैंने नींबू नमक से अच्छे से वॉश कर लिया है, इससे क्या है स्मेल चला जाता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिश को फ्राई करेंगे। देखें, हल्दी नमक लगाकर हमने मछली को मिक्स कर लिया है। ढक्कन लगा के साइड में कर देंगे। अब मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 12 से 15 काली मिर्च ली हूँ, 2 टीस्पून सरसों, पीली वाली सरसों है, आप ब्लैक वाली भी ले सकते हैं। यहाँ ली हूँ नारियल, सूखी नारियल है, आपके पास गीला है तो वो भी ले सकते हैं, कच्ची वाली। 4 हरी वाली छोटी इलायची है, 12 से 15 कली लहसुन है, टमाटर है 1, प्याज है 1, 7 से 8 लाल मिर्च है खड़ा, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप धनिया भी ले सकते हैं, मैं धनिया नहीं ली हूँ, आप खड़ा या पाउडर कोई भी धनिया यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। यहाँ देखें, बारीक सा पेस्ट तैयार है। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, फिश को फ्राई करेंगे। यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ फिश फ्राई के लिए ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसे पलट के चेक करते हैं, देखिए फ्लेम को हाई रखेंगे। यहाँ देखें, फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने और भी रखा है, उसे भी फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई हो चुका है, यहाँ मैंने कढ़ाई रखा है गर्म होने के लिए, इसमें ऑयल डाला है। यहाँ मैंने इस तरह का आलू कटिंग कर लिया है, हल्दी नमक मिक्स कर ली हूँ, इसे भी फ्राई करूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके फ्राई कर लेंगे। यहाँ तक कि हमारा आलू भी कुछ गल जाएगा। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। पलट पलट के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गाइस, ये बहुत टेस्टी फिश बनेगा, आप एक बार ज़रूर बनाएं, एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने लगेंगे। यहाँ आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करेंगे। वापस से मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें मैं फिश करी बनाऊंगी। यहाँ कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ सरसों ऑयल ऐड करेंगे। आप मछली में अक्सर सरसों ऑयल का ही यूज़ करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया है,
आप भी अपने हिसाब से ही ऑयल ऐड करें। मैंने भी अपने हिसाब से ही ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ लेंगे मेथी, ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे, चटकने देंगे। मेथी तो ब्राउन होता ही है, इसका थोड़ा सा कलर और ब्राउन हो जाना चाहिए। देखिए मेथी चटक रहा है, ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ जो मैंने मसाले पेस्ट बनाए थे उसे ऐड कर देंगे। जब भी मसाले को डालें तो फौरन ढक दें, इससे इसकी खुशबू बनी रहती है। ओपन करते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और यहाँ मैंने ली हूँ घर का बनी हुई आम का अचार। ये मैंने दो लिया है, आपके पास है तो यूज़ करें, नहीं है तो आप आमचूर पाउडर या खटाई भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक नीचे से ऑयल ना छोड़ दे। हमारा मसाला अच्छे से जब भून जाएगा तो ऑयल छोड़ देगा और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे। ढक्कन लगा देते हैं, अभी फ्लेम को हाई रखेंगे, कुछ देर बाद मीडियम कर देंगे, एक दो मिनट बाद। और उसके बाद थोड़ा सा जब मसाला हमारा भून जाएगा तो फिर आलू ऐड करेंगे। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तो फिश से खाने के लिए मैं जीरा राइस बना लेती हूँ। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने गैस पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ मैं रिफाइन ऑयल ऐड कर दूँगी। ज़रा सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ज़रा सा ही बनाना है, 250 ग्राम तक चावल बनाना है। तो मैंने इतना ऐड किया है। यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ मैं ली हूँ एक मिर्ची कटिंग की हूँ और आधा टीस्पून जीरा ली हूँ, इसे भी ऐड कर दूँगी। इसको चटकने तक भून लूँगी। यहाँ चटक चुका है जीरा, ये मैं स्टीम राइस। आधा टीस्पून नमक डालूंगी। इन सबको अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स करूंगी। देखें चावल अच्छे से भून चुका है। पानी ऐड कर देंगे। पानी आप कभी भी चावल से ज़्यादा ऐड करें। अच्छे से मिला लेंगे इसे और एक सीटी आने तक का ढक्कन लगा के एक सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा देना है। और एक सीटी लग जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, प्रेशर को निकलने देंगे। मसाले को चेक कर लेते हैं। देखो हमारा मसाला आधा पक चुका है। तो यहाँ हम आलू ऐड कर देंगे मसाले में। हमारा आलू आधा कुक हो चुका है और मसाले के अंदर आधा कुक हो जाएगा। इसे मिक्स कर देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसे कुक होने देंगे। चारों तरफ से लाकर इसे बीच में लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे। एक सीटी लग चुका है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। देखते हैं मसाला भून गया कि नहीं। वाओ, देखें कितना अच्छा हमारा मसाला भून चुका है। तो यहाँ हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी लगाने के लिए।
तो यहाँ मैं पानी ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी भी आप पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये अपनी अपनी पसंद है। यहाँ डालेंगे धनिया पत्ती, थोड़ा सा हमने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ फिश को ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर एक बार बनाएं, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने ही लगेंगे। और सब तरह का डिश सबको पता होना चाहिए, देख सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रेवी लगाना हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ क्योंकि मैं इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने दूंगी, तो कुछ पानी हमारा तो जल ही जाता है नीचे। तो देखें कितनी मज़े की फिश बनी हुई है। तो यहाँ नमक भी चेक कर लेंगे, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे खोलने देंगे। ढक्कन हटा कर देखते हैं, देखें कितना अच्छा हमारा फिश करी बनकर रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ देखें फिश करी ज़ीरा राइस हमारा रेडी है खाने के लिए। तो प्लीज़ जिसको जिसको मेरी रेसिपी पसंद आती है वो अपने घरों में ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वो आगे शेयर करें, मेरे पेज को लाइक करें। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।